लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन हो तुम? स्पष्ट बताइए, यहां क्यों आई हैं और कौन हैं आप? आपसे मिलने आई, आप ही की कोई हूँ। देखिए, मुझे भरमाने का प्रयास न करिए, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का पुत्र हूँ। यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र हैं, तो मैं भी उनकी पुत्रवधू हूँ। देखिए, आप मुझसे इस प्रकार बलपूर्वक नाता नहीं जोड़ सकती। नाता तो जुड़ ही चुका है महाराज नव। देवी, आप मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर रही हैं। आपको ज्ञात होगा, मेरे काका श्री लक्ष्मण के साथ भी श्रुप नख ने ऐसा ही अमर्यादित व्यवहार किया था। उसकी नाक काट दी थी उन्होंने। मैं भी उसी वंश का हूँ और आप मुझे भी ऐसा ही कार्य करने के लिए विवश न करें। अच्छा, मेरा नाता तो आपके वंश से जुड़ ही चुका है, इसमें मेरा क्या दोष है? कोई है? भैया फंस क्यों रहे हैं? और ये सब कौन है? नाम, ये तुम्हारी भाभी श्री। कुछ भैया, हम आपसे रुष्ट हैं। आपका रुष्ट होना स्वाभाविक है देवर जी, इसके लिए हम उत्तरदायी हैं। आप हमें क्षमा कर दीजिए। अच्छा भाभी श्री, मात्र क्षमा मांगकर हमसे पीछे छुड़ा लेना चाहती हैं? तो बताइए, हमें क्या करना होगा? हम आपके देवर हैं, आप अपने देवर के यहाँ आइए, हमारे लिए कुछ उपहार लेकर आना चाहिए था। हम कुछ भैया से छोटे हैं। उपहार ही तो देने हम आपके पास आए हैं देवर जी। उपहार तो दीजिए ना उपहार, कहाँ है उपहार? परंतु पहले आप हमें वचन दीजिए, जो उपहार हम आपको देंगे, आप उसे प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे। आप भूल रही हैं भाभी श्री कि हम अपने लक्ष्मण काका के ही भतीजे हैं।
हम आपके उपहार को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करेंगे। देवर जी, जो उपहार हम आपको देने आए हैं वो हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो दीजिए ना, शीघ्र दीजिए, मैं उतावला हो रहा हूँ। देवर जी, आप हमारी बहन सुनंदा को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। जी हाँ महाराज लव, देवर्षि नारद ने हमें बताया था कि हमारी कनिष्ठ पुत्री सुनंदा का संयोग आपसे जुड़ा है, इसलिए हम अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। देवर्षि नारद ने, अर्थात आप महाराज भूरी कीर्ति हैं? जी हाँ महाराज लव। महाराज, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, आपके प्रस्ताव को मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ, किंतु मुझे अपने पूज्य जनों और गुरुजनों से अनुमति लेनी होगी। आप निश्चिंत रहिए महाराज, संयोग है तो विवाह होकर ही रहेगा। देवर जी, आपको हमारा उपहार स्वीकार करना ही होगा, ये आपकी प्रिय भाभी की आज्ञा है। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है भाभी श्री। महर्षि, महर्षि, ऋषिवर, हनुमान जी, सुमन जी। महर्षि विशिष्ट को हनुमान का प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए हनुमान जी, आइए महामंत्री सुमन जी, पधारिए, विराज। सर्वप्रथम मैं आपको एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ। महाराज भूरी कृति की दूसरी पुत्री सुनंदा के साथ महाराज लव का विवाह तय हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। और ऋषिवर, साथ ही मैं आपको यह स्मरण दिलाने आया हूँ कि आपने प्रभु श्री राम और माता सीता के मंदिर स्थापित करने की चर्चा की। हाँ, वह समय अब आ गया है, अब इस निश्चय को कार्य रूप दे देना चाहिए। गुरुदेव, जैसे ही महावीर हनुमान ने श्री राम और देवी सीता के मंदिर निर्माण की सूचना मुझे दी, मैं वैसे ही आपकी आज्ञा लेने चला आया कि मंदिर का निर्माण आपके ही आश्रम में होना चाहिए। हाँ महर्षि, मेरी भी यही इच्छा है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने उज्जवल जीवन का आरंभ इसी पावन आश्रम से किया था। यहीं पर शस्त्र शास्त्रों की विद्या प्राप्त करके अपने आदर्श जीवन को संसार के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसीलिए इस महान मंदिर का निर्माण आप ही के आश्रम की पवित्र भूमि पर होना चाहिए। हनुमान जी, आपके इस विचार ने मुझे भावुक कर दिया। श्री राम की माताओं के प्रति भक्ति, पिता के वचन का पालन, सहर्ष 14 वर्ष का वनवास, इन सब को लोग चिरकाल तक याद रखें। इन सब के लिए इस मंदिर का निर्माण अनिवार्य है। जाओ हनुमान, इस कार्य में विलंब न करो। जय श्री राम।
सुनो अंदा, तुम देखने में कैसी हो? जब शुभेच्छा से हमारा संबंध हो चुका तो तुम जैसी भी हो मुझे स्वीकार हो। हमारे गुरुजनों की भी यही इच्छा है। यह है असुर शत्रु श्री राम का पुत्र है। कुश को तो बाहर नहीं देखा। पहले आज लव का निर्णय कर लू। आप कौन है देवी? आप अपने हृदय से पूछिए। किंतु मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो आपको बता ही दूंगी, परंतु आप अपने हृदय से पूछ लेते तो आपको शीघ्र उत्तर मिल जाता। अभी अभी आपके हृदय की बात आपके होठों पर आ गई थी, उसके साथ मेरा नाम भी आ गया था। मैं वही हूँ, आपकी सुनंदा। सुनंदा, आप इस समय यहाँ? स्वामी, प्रेम का भी कोई समय होता है? पीड़ा की वेदना असहनीय हो चली थी। नारी लज्जा की सीमा लांघकर मैं अपने प्रीतम के समीप चली आई। पिताश्री से पता चला कि मेरे स्वामी अपने संकोच में हैं। नहीं देवी, मात्र संकोच नहीं, मर्यादा भी है। रघुकुल की रीति का परित्याग मैं कदापि नहीं कर सकता। हमारा मिलन केवल गुरुजनों की साक्षी में ही संभव है। गुरुजनों की क्यों, आप अपने मन की बात कीजिए ना। मेरे इस प्रणय निवेदन को क्या आप अस्वीकार कर सकते हैं? स्वीकार अस्वीकार का प्रश्न ही नहीं उठता देवी। तुम्हारा यहां आना अनुचित है। मैं अपनी समस्त मर्यादाओं का परित्याग करके आपके बाहुपाश में पड़ने के लिए चली आई हूँ। मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए। श्री राम सीता के पुत्र लव के लिए मर्यादाओं का उल्लंघन करना संभव नहीं। तुम लौट जाओ सुनंदा, हमारा तुम्हारा मिलन विवाह मंडप में ही संभव होगा। ये कहकर आपने मेरे प्रेमी हृदय की कोमल भावनाओं का तिरस्कार किया है। प्रीतम ठहरिए, आप मेरी भावनाओं का तिरस्कार नहीं कर सकते स्वामी।
भावनाएं तो सागर में तरंगों के समान होती हैं, जो पवन के झोंकों से उठती हैं और मिटती हैं। यौवनोचित आकांक्षाओं को कर्तव्यों की सीमा में बांध कर रखोगी तो भावनाओं की लहरें भी मर्यादा में रहेंगी। नारी की मर्यादा, माता पिता का मान सम्मान, कुल का गौरव आपके इस कृत्य से कलंकित हो रहा है। देवी सुनंदा, देवी सुनंदा, आप लौट जाइए। आप सच्चे हृदय से कह रहे हैं कि मैं लौट जाऊं? देवी सुनंदा, मेरा विवेक अभी जागृत है, वो मुझे किसी भी अनीति संगत आमंत्रण को स्वीकार करने से रोक रहा है। मैं अपनी मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा। देवी सुनंदा, आप यहां से लौट जाइए। इतने निष्ठुर ना बनो, मुझे स्वीकार कीजिए स्वामी। देवी, मुझे विवश ना करो। जब शिविक्षा से हमारा विवाह निश्चित हुआ है तो विवशता कैसी? किंतु मैं अपने पूज्य हनुमान जी के आदेश के बिना विवाह का निर्णय भी नहीं ले सकता। तुम यहां से लौट जाओ देवी। अब ये संभव नहीं है। देवी, मुझे विवश ना करो। जब शिविक्षा से हमारे विवाह निश्चित हुआ तो विवशता कैसे? उचित अनुचित का निर्णय अब मैं नहीं कर सकती। सुनंदा, मुझे विवश मत करो स्वामी। मुझे विवश मत करो सुनंदा, मुझे विवश मत करो। दुष्ट राक्षसी विरूपा, तेरा ये दुस्साहस, तेरा ये दुस्साहस, तू यहां आई कैसे? रुक! दुष्ट राक्षसी विरूपा, एक बार पहले भी मैंने तुझे स्त्री समझकर प्राणदान दिया था, परंतु लगता है तू अपनी नीचता का त्याग करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। परंतु इतना स्मरण रखना, आज के बाद यदि तेरा हनुमान से सामना हुआ तो उस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। हनुमान जी, हनुमान जी। लव, ये देवी सुनंदा नहीं थी, ये दुष्ट राक्षसी विरूपा थी। इस कृत्य से यह सिद्ध हो गया है कि राक्षसी षड्यंत्र तुम्हारे पीछे है। लव, अब समय व्यर्थ ना करते हुए महाराज भूरी कीर्ति की पुत्री देवी सुनंदा से तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। यही भगवान शिव की इच्छा है लव, यही भगवान शिव की इच्छा है। मैं ऐसा ही करूंगा हनुमान जी। महाराज लव महारानी सुनंदा की, महाराज लव महारानी सुनंदा की, महाराज लव।
लव महारानी सुनंदा की, महाराज लव महारानी सुनंदा की। जनु, अपनी पुत्रियों के लिए योग्य वर पाने की इच्छा ने मुझे विचलित कर रखा था, किंतु आज देवऋषि नारद और महाबली हनुमान की कृपा से मैं चिंता मुक्त हो गया। मेरी दोनों पुत्रियां महाप्रतापी महाराज रामचंद्र के वंश की कुलवधु बनी है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मैं कितना भाग्यवान हूं। नारायण नारायण, ये सब शिव इच्छा से संपन्न हुआ है महाराज भूरी कीर्ति। हम तो केवल आदेश का पालन करने वाले सेवक मात्र हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से भगवान शिव की इच्छा पूर्ण हुई और सूर्य वंश सौभाग्यशालिनी वधु से संपन्न हुआ। लव, कुश, अभी तुम दोनों के हाथों एक महान कार्य होना शेष है। हाँ, तुम दोनों को प्रभु श्री राम और माता सीता के मंदिरों की स्थापना करनी होगी। हाँ, जिससे भक्ति भावना का प्रचार और प्रसार हो, श्री राम नाम की महिमा से जन जन लाभान्वित होता है और भक्ति की शक्ति से जन जन का कल्याण होता है। लव, कुश, तुम दोनों के पिता और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम केवल एक साधारण राजा नहीं थे, बल्कि महाप्रतापी महापराक्रमी महाज्ञानी और जन जन का कल्याण करने वाले थे। उन्होंने जो मर्यादाएं प्रतिस्थापित की, उनकी महिमा अनंत काल तक अमर रहे। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये महान कार्य तुम दोनों के हाथों संपन्न हो। अरे जो कुछ मैंने किया है ना मृदंगी, उसका तो तुम शोभा अंश भी नहीं कर सकते। केवल आवेश दिखाना और बढ़ बढ़ कर बातें करना, वो तुम्हें आता है और कुछ नहीं आता। तो ये बात है। अरे मैं पूछता हूँ कि तुमने लव के महल में जाकर सुनंदा का जो नाटक किया था, उसका क्या परिणाम निकला? यही ना कि वहाँ भी हनुमान आ गए और तुम वहाँ से प्राण बचाकर भागी। अरे मैं पूछता हूँ कि तुमने अवसर पाकर लव का वहाँ पर वध नहीं किया? कम से कम हमको ये संतोष तो होता कि हमने अपने तीन शक्तिशाली साथी खोकर एक शत्रु पर विजय पाई है। पर नहीं, तुम तो अपना वहाँ निर्यात चरित्र दिखाने लगी, निर्यात चरित्र दिखाने लगी। वरना मैं आवेश में आकर कुछ देर बैठूंगी। अरे तू आवेश में आ सकती तो मैं भी आवेश में आ सकता हूँ। मत भूल कि तू एक स्त्री और मैं राक्षस, मार डालूंगा। आपस में लड़कर मरने का क्या लाभ? विरूपा ने हर प्रकार से चतुर एवं कुटिल नारी का कर्तव्य पूरा किया है। तुम भी शांत रहो विरूपा, यदि हम में से कोई एक आवेश में है तो दूसरों को मान प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। अब सोचना ये है कि हमें आगे क्या करना है। यही तो मैं कह रही हूँ कि लव का विवाह सुनंदा से हो गया है। ये क्यों नहीं कहती कि जो नहीं होना था वो हो गया है? किसी बात का मुझे पश्चाताप है कि मैंने अवसर गवा दिया। समय रहते हुए मैंने लव का वध नहीं किया, परंतु एक अच्छा अवसर हमारे सामने आने वाला है। हनुमान की प्रेरणा से लव और कुश राम सीता मंदिर की स्थापना करने वाले हैं। यदि ऐसा हो गया तो राम परंपरा स्थापित हो जाएगी, हमें उसे नष्ट भ्रष्ट करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्री रामाय नमः स्वाहा। ओम श्री रामाय नमः स्वाहा। ओम ल
लक्ष्मी रूपिणी देवी सीताय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी रूपिणी देवी सीताय नमः स्वाहा। महाराज लव, महाराज कुश, ईश्वर की अनुकंपा से आज का शुभ मुहूर्त ऐसा मुहूर्त है जो युगों में एक बार आता है। आज से श्री राम और देवी सीता की पूजन परंपरा आरंभ हो जाएगी जो अनंत काल तक चलती रहेगी। आज का ये मुहूर्त तीसरे प्रहर तक रहेगा, इसलिए हमें ये यज्ञ तीसरे प्रहर तक अवश्य ही संपन्न करना होगा। ओम श्री रघुकुल तिलकाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री रघुकुल तिलकाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री सूर्य वंशाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री सूर्य वंशाय नमः स्वाहा स्वाहा। महर्षि, महर्षि एकाएकी क्या हो गया? ये यज्ञ वेदी बुझ क्यों गई? हनुमान चिंतित न हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पवित्रो पवित्रो ओम पवित्रो पवित्रो। महर्षि, हनुमान अवश्य ही यहां कोई मायावी शक्ति है जो यज्ञ में विघ्न डाल रही है। मुहूर्त के समाप्त होने से पहले ये यज्ञ अवश्य संपन्न होना चाहिए। महर्षि, अब आप यज्ञ आरंभ कीजिए, अब कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। ओम श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। ओम श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि।
श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणामि श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये ओम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि ओम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणामि श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये महर्षि आप यज्ञ आरंभ कीजिए। मुहूर्त बीतने से पहले पहले यज्ञ संपन्न हो जाना चाहिए। आप इन दुष्टों की चिंता ना करें, इन दुष्टों से निपटने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। आप यज्ञ आरंभ कीजिए ऋषिवर, यज्ञ आरंभ कीजिए। माता रामौ मम पिता रामचंद्र स्वामी रामौ मम सखा रामचंद्र माता रामौ मम पिता रामचंद्र स्वामी रामौ मम सखा रामचंद्र स्वामी रामचंद्र क्या नाम है तेरा? सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु सर्वस्व मे रामचंद्रो जाने सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम, मृदंग जय श्री राम, 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 नहीं मृदंगा, जय श्री राम नहीं, यमराज का स्मरण कर, यमराज, 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 यज्ञ संपन्न हुआ महावीर हनुमान। जय श्री राम। भागो! जय श्री राम। महावीर हनुमान की, महावीर हनुमान की, महावीर हनुमान की, महावीर हनुमान की, महावीर हनुमान की। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। हनुमान, तुमने श्री राम सीता के मंदिरों की स्थापना करके श्री राम भक्ति के प्रचार का मूल उद्देश्य पूर्ण किया। परंतु भोलेनाथ, एक बात सदैव मेरे मन को व्यथित करती रहती है। क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा मंत्र शक्ति से उत्पन्न राक्षसों का कभी अंत नहीं होगा? हनुमान, दिन के प्रकाश की महत्ता बनी रहे इसलिए रात्रि का होना अति आवश्यक है। इसलिए तो प्रत्येक रात्रि के पश्चात दिन का प्रकाश फैलता है। पाप और पुण्य दोनों जीवित रहे तभी तो दोनों में अंतर समझ में आता है और पुण्य की महत्ता प्रतिष्ठित होती है। सदाचार और दुराचार दोनों इस संसार में रहे तभी तो सदाचार का महत्व समझ में आता है। विष नहीं होगा तो अमृत का मूल्य कौन समझेगा? मृत्यु नहीं होगी तो जीवन की श्रद्धा किसमें होगी? और यदि राक्षसी वृत्ति नहीं होगी तो देवताओं की महिमा किसकी समझ में आएगी? हनुमान बोलो। परंतु महादेव, क्या सदाचारी व्यक्तियों के लिए संकट सदा बना रहेगा? नहीं हनुमान, जिन व्यक्तियों में धर्म और तुम्हारी भक्ति की शक्ति में आस्था होगी उनका यह आसुरी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। परंतु महादेव, इन राक्षसों का अनाचार तो बढ़ता ही जा रहा है। हनुमान, अनाचार यदि बढ़ता है तो उसका अंत भी शीघ्र ही निकट होता है। सीमा से अधिक प्रत्येक वस्तु के नष्ट होने का विधान है। पात्र में जितना स्थान हो यदि उससे अधिक जल भरा जाए तो वो तो बाहर छलकेगा ही। उसी प्रकार यदि आसुरी शक्तियों का उत्पात सीमा से अधिक बढ़ गया हो तो उसके नष्ट होने की क्रिया भी प्रारंभ होगी। परंतु महादेव, असुरों का उत्पात इस समय चरम सीमा पर है। पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा से लंकेश्वर रावण उनके संरक्षक थे, अब तो स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनके संरक्षक हैं। मैं जानता हूं हनुमान, परंतु अब त्रेता युग का अंत निकट है और इन सारी आसुरी शक्तियों का अंत तुम्हारे ही हाथों शीघ्र होगा। मेरे हाथों? परंतु महादेव, महर्षि वशिष्ठ ने यह भविष्यवाणी की है कि सारे असुरों का अंत लंका की भूमि पर होगा। निश्चय ही हनुमान। परंतु कैसे भोलेनाथ, मैं कुछ समझा नहीं। हनुमान, अब तुम्हें अपने बुद्धिबल और युक्ति का प्रयोग करना होगा
और शेष बचे सारे असुरों को लंका जाने के लिए प्रेरित करना होगा। लंका की भूमि पर इस युग का अंतिम युद्ध होगा जिसमें विजय तुम होगे हनुमान। अब अनेकों ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो एक नए इतिहास को रचेंगी। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। परंतु मैं भोलेनाथ जय श्री राम। हनुमान तुम्हें अपने बुद्धि बल और युक्ति का प्रयोग करना होगा और शेष बचे राक्षसों को लंका जाने के लिए प्रेरित करना होगा और शेष बचे राक्षसों को लंका जाने के लिए प्रेरित करना होगा। परंतु कैसे? वो सब असुर हनुमान के कहने पर लंका क्यों जाएंगे? नहीं भोलेनाथ, ये संभव नहीं है। नारायण नारायण गुरुदेव। नारायण नारायण नारायण। परंतु हनुमान हनुमान रूपी असुर के कहने पर तो जा सकते हैं। गुरुदेव गुरुदेव आप हैं कहाँ? और आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई गुरुदेव। नारायण नारायण। तुम्हारा गुरुदेव तुम्हारे भीतर है हनुमान। हनुमान क्या तुम भूल गए कि तुम्हें ये वरदान है कि तुम कोई भी रूप धारण कर सकते हो? परंतु गुरुदेव क्या ऐसा करना उचित होगा? अवश्य उचित होगा हनुमान। और अब वो उचित अवसर आ गया है क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से एक युग समाप्त होने वाला है। त्रेता युग समाप्त होगा और द्वापर युग आरंभ होगा। नारायण नारायण। परंतु गुरुदेव। हनुमान तुम शीघ्र हनुमान से असुर रूप धारण करके असुरों का बंटा धार करो, यानी हनुमान बनेगा हनुमंटासुर। हनुमंटासुर। यह तुमने ठीक किया विरूपा। पृथ्वी लोक पर एकत्रित सारे राक्षसों को यहाँ इकट्ठा कर लिया। राक्षस वीरों, अब समय आ गया है जब हमें अपनी असुरी शक्ति पर ही नहीं अपनी बहुबुद्धि की शक्ति पर भी विश्वास करना होगा। तुम सबों का एक सम्राट भी होना चाहिए जिसका आदेश मानना तुम सबों के लिए अनिवार्य हो। बोलो, तुम सबों का एक सम्राट होना चाहिए या नहीं? बोलो बोलो बोलो। गिल। अर्थात तुम सम्राट के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते। बोलो, यह सत्य है या नहीं? हाँ, यह सत्य है। तो सुनो राक्षस वीरो, तुम सबका सम्राट बनने के योग कौन है? मैं असुरराज पौंड्रक। बोलो असुरराज पौंड्रक की। बोलो असुरराज पौंड्रक की। तुम सब चुप रहो। पौंड्रक, क्या तुम अपने आप को अधिक शक्तिवान समझते हो? निश्चय ही। असुर सैनिकों ने मुझे सम्राट स्वीकार कर लिया है। तुम अकेले राक्षस सम्राट नहीं बन सकते। हम महाबली सौंड्रक हैं, हम भी तुम्हारे समान शक्तिवान हैं। या तो हम दोनों राक्षस सम्राट बनेंगे या कोई भी नहीं। तुम असुर सम्राट को चुनौती मत दो सौंड्रक, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। हम महाबली सौंड्रक हैं, तुम हमें प्राणों का भय दिखा रहे हो कायर पौंड्रक। तूने अपने सम्राट को कायर कहा, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। ठीक क्या कर रहे हो पौंड्रक? सौंड्रक,
आपस में लड़ने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? इस दुष्ट ने अपने सम्राट को कायर क्यों कहा? सम्राट तुम नहीं, सम्राट मैं हूँ। यदि तुमने कुछ और कहा तो मैं इसी खड़क से तुम्हारा सर अलग कर दूंगा। इससे पहले मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे पांडव, सौंदर, अपने आवेश को रोको। ये मत बोलो कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है शत्रुओं को मारकर राक्षस राज की स्थापना करना। और इसीलिए मैं असुर सम्राट बना हूँ। सम्राट ही असुर साम्राज्य की स्थापना कर सकता है। असुर सम्राट मैं हूँ और बल में तुमसे किसी प्रकार कम नहीं हूँ। सम्राट कौन बनेगा इसका निर्णय हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम शत्रु का दमन करेंगे। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। शोंडरक, सावधान शोंडरक, तूने एक नारी पर हाथ उठाकर ये सिद्ध कर दिया कि तू हमारा सम्राट बनने के योग्य है ही नहीं। हम सब राक्षस वीर अपना सम्राट महाराज पोंडरक को बनाना चाहते हैं। दुष्ट, पहले तू अपना परिचय दे। कौन है तू? कहां से आया है? मेरा नाम हनुवंटासुर है और मैं पाताल लोक से आया हूं। वहां मैं तुझ जैसे कायर राक्षसों को मल्ल युद्ध की शिक्षा देकर शक्तिशाली योद्धा बनाता हूं। मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आदेश दिया है कि मैं पृथ्वी लोक जाकर अपना सम्राट महाराज पोंडरक को घोषित करूं और उनकी सहायता करूं। यदि तूने उनके विरुद्ध कुछ भी कहने की चेष्टा की तो मैं इस गदा से तेरा मुंह तोड़ दूंगा। गिल 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 वाह 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 गिल 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 स्वागत सुस्वागत महावली हनुमंतासुर, तेरा स्वागत है। आओ मैं शक्तिशाली महाशक्तिशाली असुर सम्राट पोंडरक सेना के समक्ष तुम्हें सेनापति घोषित करता हूँ। महाराज, हमारी राक्षस जाति में प्रसन्नता इसी प्रकार प्रकट की जाती है। आप भी हिलिए। मैंने पाताल लोक और पृथ्वी लोक सब देखे हैं, परंतु तुम्हारे विषय में चर्चा कभी नहीं सुनी। इसमें दोष मेरा है या आपका? देखिए विरूपा जी, चर्चा तो आप जैसी महान राक्षसियों की हुआ करती है। मेरी चर्चा तो तब होगी जब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने महान कार्य किए हैं, है ना? आप हिलिए महाराज। क्या तुमने महान कार्य किया है? यदि आप देखना चाहती हैं, तो मैं इसे अभी प्रमाणित किए देता हूँ। देखना चाहती हैं ना? हाँ, दिखाओ। जय श्री पोंडरक महाराज की। Ha 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 ha
सेनापति हनुमंडासुर ने आपके प्रतिद्वंदी शोंडरक को समाप्त कर दिया। अब आप पृथ्वी पर असुरों के एक छत्र सम्राट हैं। हिलिए महाराज, हाँ तो विरूपा जी, जिस प्रकार मैंने शोंडरक की जीवन लीला समाप्त की, ठीक उसी प्रकार राक्षसों के परम शत्रु हनुमान को अपनी गदा के एक ही प्रहार से समाप्त कर दिया था मैंने। ये सच है हनुमंतासुर, तुमने हनुमान को मार डाला। हाँ महाराज, क्या मेरा ये चमत्कार देखकर भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ? महाराज, अब तो आप लवकुश को मरा हुआ ही समझ लें, क्योंकि हनुमान के बिना वो दोनों निष्प्राण हैं। परंतु महाराज, हमारा परम शत्रु विभीषण अभी तक जीवित है, और विरूपा जी की तो पुरानी चतुरता है उससे, है ना विरूपा जी? देखिए हाँ कह रही है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों लंकापति विभीषण का वध करके लंकापति बन जाए। इसीलिए तो हनुमंतासुर पाताल लोक से पृथ्वी लोक आया है, है ना महाराज? Hil 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 h